हाय एवरीवन दिस का टॉपिक हमारा है वर्ल्ड का फर्स्ट बैंबू क्रैश बैरियर जिसको बहुबली भी कहा जा रहा है, है कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है सो इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है क्या इससे फायदे होंगे ये हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं बाकी किसी भी तरह की यूपीएससी रिलेटेड प्रिपरेशन या सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपकी कोई डाउट है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर सो वॉट इज हैपन रिसेंटली द फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी अभी फोर्थ मार्च को ही उन्होंने जो याद रखने वाली बात है टू हंड्रेड मीटर लॉन्ग बैम्बू क्राश बैरियर जो है वो इंस्टॉल किया है सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर कहाँ पे इंस्टॉल किया है एक हाईवे है जो कि चंद्रापुर को यवतमल से अब हाउ द प्लेस इज प्रोनाउंसड आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिकॉज लोकल प्रोनाशिएशन आर डिफरेंट महाराष्ट्र के ये डिस्ट्रिक्स हैं तो ये इन दो हाईवेज को कनेक्ट करता है तो इन दोनों जगह के नाम और महाराष्ट्र का नाम आपको मालूम होना चाहिए थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज इसको वर्ल्ड का पहला इस तरह का क्रैश बैरियर जो इंस्टॉल किया गया है वो कहा जा रहा है तो ये तीन चीज़ें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना मीटर लॉन्ग है ये बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है सो दिस वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल्सो ये तीन चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए तो बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट इसको बताया जा रहा है क्योंकि इससे पहले हम यूजअली स्टील के क्रैश बैरियर्स जो हैं रोड्स पे यूज़ करते थे ये क्रैश बैरियर्स क्या होते हैं आपने देखा होगा जो रोड्स रहती हैं उनके साइड पे ऐसे स्टील के बैरियर्स लगाए जाते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो तो वो बचा पाए कोई इस तरह का दुर्घटना हो उसको बचाया जा सके सो uh, so, उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे बैम्बू का क्रैश बैरियर जो है वो बनाया है सो दिस इज एन गुड ऑल्टरनेटिव टू स्टील और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी ये एड्रेस करता है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स uh, क्या क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि स्टील इंडस्ट्री जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन्स होती हैं उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा हाई है इट इज़ अ कार्बन कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम बैम्बू सेक्टर को भी ग्रो कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव लेके भी आए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए भी अच्छा है और अदरवाइज भी अच्छा है सो so, यहाँ न्यूज uh, आर्टिकल्स में आपने देखा होगा वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्राश बैरियर और रिसाइकलिंग वैल्यू भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है ट्वीट्स भी किए हैं कि एक्सट्रॉर्डनरी है आत्मनिर्भर भारत uh, की तरफ 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्राश बैरियर इंस्टॉल किया गया सो यू कैन एट इट किस तरीके से ये दिखता है ये पूरा आपका बैम्बू क्राश बैरियर है सो so, कोई भी चीज पहले इंस्टॉल करने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है तो इसको भी बहुत ही एक्सटेंसिवली टेस्ट किया गया है इस क्रैश बैरियर को क्योंकि हम इसको एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव मान रहे हैं स्टील का नेक्स्ट फैक्ट फोर्थ नंबर जो आपको याद रखना है कौन सा स्पीशीज यूज हुआ है इसमें बैम्बू के बहुत सारे स्पीशीज हैं सो इट इज बालकुआ बैम्बू इसको यूज किया गया है इसको पहले ट्रीटमेंट दी गई है क्रियोसोट ऑयल के साथ फिर इसको उसे कोट किया गया है फिर इसको रिसाइकिल कर, कर, करा हुआ जो हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन है उससे उसको कोटिंग दी गई है सो यू आर यूजिंग बैम्बू प्लस क्रियोसोट ऑयल प्लस आपने उसको एच डी पी ई यानि की कोटिंग दी है इसको इंस्टॉल करने से पहले तो दिस फैक्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो अभी तक हम स्टील बैरियर्स यूज कर रहे थे दोनों साइड के हाईवे में जहां से व्हीकल्स गुजरती हैं ये क्यों यूज किया जाते हैं एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए कोई एनिमल्स हाईवे में आ रहे हैं उनको बचाने के लिए कि कोई नीचे ना गिर जाए राइट right. इसलिए इनको यूज किया जाता है नाउ एक स्टेटमेंट आई हाँ कि बैम्बू क्रैश बैरियर जो है इसका रिसाइकिल वैल्यू है फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट स्टील के केस में ये वैल्यू थर्टी टू फिफ्टी परसेंट था तो इस केस में रीसाइकिलिंग वैल्यू भी ज्यादा है अब जो ये टेक्नोलॉजी है इसको इंस्टॉल करने से पहले बहुत ज्यादा इसका टेस्टिंग हुआ गवर्नमेंट इन फेसिलिटीज में जैसे नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स हैं पीथमपुर इंदौर में वहाँ पे फायर रेटिंग टेस्टिंग की गई और अच्छा ही इसको रिमार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं क्लास वन इसको दिया गया फायर रेटिंग टेस्ट में जो इन्होंने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में रुड़की में किया इंडियन रोड कांग्रेस ने भी इसको अप्रूव किया है कि ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट रोड्स पे देगा अब इस पीसी के बारे में बात करते हैं सो so, न्यूज इतनी सी है उसमें जो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं अब जनरली इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट में जाएंगे तो बैम्बूसा बालकुआ के बारे में हम बात करें सो इट इज अ फीमेल बैम्बू इसको फीमेल बैम्बू भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको बहुत मिलेगा वैसे भी आप जानते हैं बैम्बू स्पीशीज जो भी है एक फूड का सोर्स भी है इससे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स भी बनते हैं अभी क्राश बैरियर्स भी बन रहे हैं तो बहुत सारे यूजेस इसके हैं सो so, कल्म्स कल्स क्या होते हैं बैम्बू का जो एरियल पार्ट है उसको हम कलम्स बोलते हैं तो so उसकी हाइट अराउंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी मीटर हाई तक ये जाता है एंड सेवन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है ब्रांचेस बहुत क्लस्टर्ड ब्रांचेस भी इसकी रहती हैं, लीव्स इसके नैरो होते हैं ऑन एन एवरेज फिफ्टी टू थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग तो थोड़ी थोड़ी बातें आप इसके बारे में ध्यान में रख सकते हैं सो दिस इज हाउ इट लुक्स शूट्स जो है इसकी ब्लैकिश ग्रीन एंड येलो कलर की होती हैं हैबिटेट यानी कहाँ ग्रो करता है इसका घर क्या है सो ऑल्टीट्यूड ऑफ सेवन हंड्रेड मीटर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट्स में ये ग्रो करता है जो इसके सीड्स हैं अगर देखो ग्रिगेरियस फ्लारिंग होती है काफी सारे फूल इस पर लगते हैं सीड सेटिंग यूजली अकर्स एट थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव ईयर्स सो यूजेस क्या है कि इसके स्टेम्प से घर बनाए जाते हैं ब्रिजेस बनाए जाते हैं फिशिंग फ्लोट्स बनाए जाते हैं रिक्शा हुड्स बनाए जाते हैं बास्केट्स मैट्स एग्रीकल्चरल फिशिंग इम्प्लीमेंट्स सो बहुत सी चीज़ें वुड इंडस्ट्री में पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है इसके लीव्स को एज अ फॉर्डर चारा भी डाला जाता है एनिमल्स को बैम्बू की मैं बात कर रही हूँ सो तो बैम्बू अगर आप देखेंगे इंडिया में एक एंशंट ट्रेडिशन है हमारा काफ़ी समय से ये यूज होता आ रहा है अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसके यूज़ को और भी एक्सपैंड कर रहे हैं जो हमारा स्टेट है असम वहाँ पे बैंबू की बहुत डाइवर्सिटी है 45 स्पीशीज के पाए जाते हैं और कुछ स्पीशीज तो एकदम एंडेमिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ असम में ही पाए जाते हैं ऑल टुगेदर इंडिया में अगर आप देखोगे आपको 90 तरह के बैंबू हमारे पूरे देश में मिलेंगे और उनमें से आधे से ज्यादा स्पीशीज आपको असम में मिलेंगी ही मिलेंगी एंड बैम्बू बहुत ज्यादा हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं और क्या क्या यूजेस हैं बैम्बू के हैंडीक्राफ्ट किचन आइटम्स बास्केट्स फेंसेस जो ऐसे आप देखेंगे गार्डन के आगे पीछे फेंस बैम्बू का बनाया जाता है स्टिक्स इंसेंस स्टिक्स बनाई जाती हैं लैडर्स हैंड फैंस मैट्स तो वोकल फॉर लोकल में भी बैम्बू को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं बैम्बू को प्रोमोट करने के लिए अदरवाइज देखिए इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी बिल्कुल है आपको बैम्बू मैथ स्टिक्स म्यूजिकल बुक्स जो हैं पेपर इंडस्ट्री में आप इसको यूज़ कर रहे हैं देन यू कैन सी विलेजर्स वेजिटेबल्स बना रहे हैं बैम्बू का अचार भी आता है बैम्बू की सब्जी बैम्बू शूट्स की सब्जी भी बनती है अचार बनते हैं सो इट इज़ अ व वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे प्रोमोट कर रही है नेशनल बैम्बू मिशन ले के आए हम लोग इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी टू थाउजेंड सिक्स सेवन में बाद में इसको मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर उसमें मिक्स कर दिया गया मतलब नेशनल बैम्बू मिशन पहले था फिर इसको हमने इसके अंदर कर मिक्स कर दिया एच के अंदर इसके साथ इसको कलेबोरेट कर दिया टू थाउजेंड में और फिफ्टीन सिक्सटीन तक ये कॉन्टिन्यूड रहा तो इसमें ऑब्जेक्टिव यही थे कि बैम्बू को और ज्यादा प्रमोट किया जाए उसकी कवरेज को इम्प्रूव किया जाए उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मार्केटिंग की जाए हैंडीक्राफ्ट uh, को प्रमोट किया जाए और टेक्नोलॉजीज़ को ब्लेंड करके जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है और ट्रेडिशनल विजडम को यूज़ करके अब जैसे ये क्रैश बैरियर्स बनाए गए उसको यूज़ करो ताकि बैम्बू के यूजेज को हम और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे यूथ के लिए बहुत हैं आप स्किल्स लोगों को दीजिए जो अनस्किल्ड लोग हैं लेबरर्स हैं उनको सिखाया जाए बैम्बू पर काम कैसे करना है सो so, कैसे इनिशिएटिव्स यहाँ पे और लिए गए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड किया गया 2017 में क्योंकि बैम्बू को ट्री में रखा गया था बट यू शुड नो बैम्बू इज अ ग्रास इट इजन नॉट अ ट्री अब जब इसको ट्री की कैटेगरी से रिमूव किया गया इसका मतलब है कोई भी बैम्बू का कल्टिवेशन कर सकता है इसके प्रोडक्ट्स को बेच सकता है इसमें बिजनेस कर सकता है तो ईजी कर दिया गया तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी यहाँ पे बैंबू को लेकर लाई मार्जिनल फार्मर्स के लिए स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलने लगाए कि बैम्बू से किस तरह से हम एग्रीकल्चर में हैंडीक्राफ्ट में फर्नीचर ब्यूटी वेलनेस हर किस किस चीज में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं तो लोगों को स्किल इम्पार्ट करना शुरू किया सो यस गवर्नमेंट हैज हैज्सो प्रमोटेड दिस इंडस्ट्री अलॉट सो दैट इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं सो ट्वेंटी परसेंट ऑफ़र इज़ बैक बहुत लिमिटेड पीरियड तक ही रहता है प्राइस आप समझ लीजिए फोर्टीन एट फाइव जीरो से शुरू हो रहे हैं मेरा कोड यूपीएससी लगा के आपको बीस परसेंट जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिलेगा इट इज़ राइट टाइम टू प्रिपेयर आप हमारे बैचेस भी शुरू कर सकते हैं आरम बैच और ये एक्सपिडिशन बैच हमारा शुरू हो रहा है अगेन यू कैन यूज़ द सेम कोड आई एम टीचिंग इन दिस बैच ऑल्सो ऑफलाइन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा नया बैच थर्ड अप्रैल से शुरू हो रहा है आप उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं पाँच फाइंडर के क्रैश कोर्स में हमारे जो पाँच फाइंडर के एडुकेटर्स हैं हम लोग एक क्रैश कोर्स करवा रहे हैं फ्रिलियम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए आप हमारे साथ रिवाइज कर सकते हैं कॉम्बैट में आ, हिस्सा लीजिए इट्स फ्री टू एनरोल संडे को इलेवन ए ए एम टेस्ट होगा और ज़ीरो परसेंट ई पे भी आप कोर्सेज ले सकते हैं ई का नोटिफिकेशन बहुत सात साल के बाद आया है तो उसका भी बहुत ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है इट्स जस्ट स्टार्टिंग एट एटीन हंड्रेड रुपीज़ ठीक है मेयरली 1800 हंड्रेड में शुरू हो रहा है तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं थैंक यू सो मच